चिड़िया की पोटली। एक चिड़िया थी, वह बहुत ऊंची उड़ती और इधर उधर चहचहाती रहती, कभी इस टहनी पर तो कभी उस टहनी पर फुदफुदाती रहती। पर उस चिड़िया की एक आदत थी, वह जो भी दिन में उसके साथ होता, अच्छा या बुरा, उतने पत्थर अपने पास पोटली में रख लेती और आकर उन पत्थरों को पोटली से निकाल कर देखती। अच्छाई वाले पत्थरों को देख कर बीते बातों में हुई अच्छी बातों को याद करके खुश होती और खराब पत्थरों को देखकर दुखी होती। ऐसा वह रोज़ करती। रोज़ पत्थर इकट्ठा करने से उसकी पोटली दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद उसे भारी पोटली के साथ उड़ने में दिक्कत होने लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उड़ क्यों नहीं पा रही। कुछ समय और बीता, पोटली और भारी होती जा रही थी। अब तो उसका ज़मीन पर चलना भी मुश्किल हो रहा था और एक दिन ऐसा आया कि वह अपने लिए खाने पीने का इंतजाम भी नहीं कर पा रही थी। उस चिड़िया के पास एक बुज़ुर्ग चिड़िया रहती थी। बुज़ुर्ग चिड़िया ने नोटिस किया तो उसे समझाया कि तुमने अपने भूतकाल का बोझ फालतू में ही उठा रखा है। हो गया वो तो हो गया, उसके कारण अपने वर्तमान समय को क्यों नष्ट कर रही हो। सब बातों को भूलकर अपने वर्तमान समय का बेहतर इस्तेमाल करो। अब यह बात चिड़िया के पल्ले में पड़ गई और उसने अपने भूतकाल की पोटली उतार के फेंक दी और वापस पहले की जैसी ऊंची उड़ान भरने लग गई। दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम पुरानी बातों की पोटली अपने साथ रखते हैं, अपने वर्तमान का आनंद लेने की जगह भूतकाल की बातों को ही सोचने में लगे रहते हैं, अरे भाई जो हो गया उसका तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, तो फोकट की बातों को सोच के क्यों टाइम बर्बाद करना है। अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ, अपनी खूबसूरत सोच के साथ और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को आनंद के साथ जियो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।